एक घंटे में दो नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में एक घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में। वो किसका परिवार है उनके परिवार का क्या होगा क्या वो मोदी के परिवार के नहीं है और आज तो हम देख रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह भी कहता है मैं मोदी का परिवार हूँ पवन सिंह भी कहता है मैं मोदी का परिवार हूँ ये है उनके परिवार ओडिशा पहुंची ए आई सी सी मीडिया एंड प्रचार कमिटी अधिक आलोचना कर पवन जी पहले कनक न्यूज़ में स्वागत करता हूँ धन्यवाद उड़ीसा में कांग्रेस को लेकर स्थिति कैसे देख रहे हैं बहुत मजबूत है इस बार हमारे सर्वेज भी बता रहे हैं कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ कांग्रेस का रिवाइवल और रिटर्न संभव है लोग चाहते हैं कांग्रेस को लोगों को याद आते हैं वो वक्त जब कांग्रेस का शासन था तो इस बार हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं क्योंकि पूरी उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप देखेंगे तो जो बहुत सारे मुद्दे हैं चाहे वो पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो कांग्रेस बहुत बार एलिगेशन लाया है बीजेडी और बीजेपी को लेके ये दोनों एक साथ ही हैं आपको ऐसा महसूस होता है बीजेडी और बीजेपी दोनों एक साथ हैं तो पूरा ओडिशा समझ गया है कि बीजेडी और बीजेपी एक साथ हैं क्या कारण है कि चिटफंड स्कैम का सीबीआई इंक्वायरी हम लोगों ने शुरू किया था जब हम सरकार में थे आज तक उस इंक्वायरी का क्या हुआ क्या कारण है कि माइनिंग स्कैम पे आज तक कोई सी बी इंक्वायरी नहीं हुई ये दिखाता है कि कैसे ये दोनों मिले हुए हैं अगर देखा जाए तो संसद में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं ऐसे बिल हैं जहाँ पे बीजेडी ने समर्थन किया हुआ है और ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेडी और बीजेपी का शायद गठबंधन हो सकता है अगर ये ये दोनों का अगर गठबंधन होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा नहीं हम तो जो कह रहे हैं वो सबके सामने सब साबित हो जाएगा कि ये हमेशा एक थे अब शादी कर रहे हैं मोहब्बत पहले से ही थी कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इलेक्शन बहुत ही कम टाइम बचा है अभी प्रधानमंत्री अब जहाँ भी जाते हैं लोग उनको पिछले दस साल के उनके वादे याद दिलाते हैं उनके दस साल में जो भाषण उन्होंने दिए वो याद दिलाते हैं कि भाई क्या हुआ नौकरियों का क्या हुआ किसानों का क्या हुआ महिला सुरक्षा का क्या हुआ महंगाई का क्या हुआ अब प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं बचे अगर हम देखें तो जो पिछले बीस साल हो गए ए आई के जो बहुत बड़े नेता हैं वो उड़ीसा नहीं आ रहे थे ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा था क्यों ए के जो यहीं के जो नेतृत्व हैं उनके ऊपर क्या डाउट है क्यों उड़ीसा में उतना डाउट वाली बात नहीं अब जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा दो डिस्ट्रिक्ट से निकली तो एक इतनी महत्वपूर्ण यात्रा अगर उड़ीसा के से निकली है तो ऐसा नहीं है कि ए का ध्यान उड़ीसा की तरफ नहीं हमारे बड़े काबिल इंचार्ज हैं जो यहाँ आए हैं मीडिया विभाग ने भी अपना एक इंचार्ज बनाया है बबीता जी इनको ये भी यहाँ इतने वक्त से रही है, रह रही हैं तो हमारा पूरा ध्यान उड़ीसा की तरफ है ये, ये किस तरह से उड़ीसा को देख रहा है अभी आगे इलेक्शन को लेकर इस इलेक्शन में पूरा मौका है कि बीजेडी और बीजेपी को हराया जाए उनको एक्सपोज किया जाए और कांग्रेस यहाँ काफ़ी सीटें ला सकती है अगर आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे तो अभी एक हैशटैग चल रहा है हम मोदी के परिवार इस तरह से लोगों को अपने साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगा कैसे बीजेपी को इसमें मात दे सकता है इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस एक घंटे में दो नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में एक घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में वो किसका परिवार है उनके परिवार का क्या होगा क्या वो मोदी के परिवार के नहीं है और आज तो हम देख रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह भी कहता है मैं मोदी का परिवार हूँ पवन सिंह भी कहता है मैं मोदी का परिवार हूँ ये हैं उनके परिवार सर फिर आगामी इलेक्शन के लिए के फुल पूरी तरह से तैयार पूरी तरह से तैयार है।, है पूरा जोश में है और हमारे वर्कर यहाँ के बड़े जोश में है ए आई का पूरा ध्यान है यहाँ और यहाँ का जो नेतृत्व है पूरी मजबूती के साथ हम मिलकर लड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए निश्चित भाव में हम आलोचना करें ए आई सी सी जो मीडिया और प्रचार कमिटर जो अध्यक्ष अच्छे सहित कांग्रेस प्रस्तुत अच्छी आगामी निर्वाचन जोरदार लड़े हेब आउ নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ কৰিব কংগ্ৰেছ নিজৰ যোনবিলাকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ সৈতে কেমি কেন্দ্ৰৰে বিজেপি কুদ্দি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন চৰকাৰ কৰিব জোৰসো ৰণনীতি চলিছে ভুবনেশ্বৰৰ ভিডিঅ' জৰ্ণালষ্ট সঞ্জয় সৈতে লোকনাথ পাণিগ্ৰাহী কনক নিউজ